Manta chak vali su atra gachhang tu devata saddhamang munira Jasse sunang tu sag mokhadang dhamma savane kalo ayang bhadanta dhamma savane kalo ayang bhadanta dhamma savane kalo Ayam Bhadanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa evam tiparivattam dvadasakaram yathabhutam jnanadassanam na suvisuddham ahosi nevatavaham bhikkave sadevake loke samarake sabrahmake sasamana brahmaniya pajaya සදේව මනුස්සාය අනුත්තරං සම්මා සම්බෝධින් අභිසම්බුද්ධෝ පච්චඥාසි ශ්‍රද්ධාවන් උපාසක උපාසිකයි आप लोग बड़े श्रद्धा से सद्धर्म का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं जीवन के लिए आवश्यक जितना भी उपयोगी वस्तु है ये सभी से सद्धर्म जरूरी वस्तु होता है व्यक्ति को कंट्रोल करने वाला शक्ति सद्धर्म में होता है अभी एक उदाहरण के रूप से हम समझें कोई व्यक्ति डॉक्टरिंग सीख रहा है डॉक्टर बनना है उन्हें खून का चेक करना पड़ता है यदि उन्हीं के पास धर्म का कुछ नहीं मिला उन्हें खून पाने के लिए किसी का हत्या कर दे सकते हत्या करके खून निकाल सकते यदि उन्हें धर्म के ज्ञान है समझते हैं उन्हें ऐसा नहीं करता फिर थोड़ा सा खून निकाल के उसी का चेक कर लेता है क्योंकि धर्म व्यक्ति कंट्रोल कर देता है अंगुलीमाल भयानक चोर के रूप से लोग समझते थे जंगल में रहकर जंगल से आने जाने वाले लोगों को पकड़ के मार डालते थे और एक एक उंगली काट के माला बनाकर पहनते थे उन्हीं को कंट्रोल करना आसान नहीं पूरा सेना वहीं चले जाती थी लेकिन मैं अंगुलीमाल हूं कहकर उनके जो आवाज निकलता है उसे आवाज सुनकर सब भाग जाते फिर इतना क्रूरतर स्वभावों से जंगल में राज्य बना हुआ अंगुलीमाल को दमन करने के लिए बुद्ध भगवान ने किसी हथियार का उपयोग नहीं किया बुद्ध भगवान के हथियार था दया करुणा मैत्री उपेक्षा ये सच सच्चाई है ये सच्चाइयों के बल पर भगवान ने अंगुलीमाल को दमन किया ये धर्म का स्वभाव है
धर्म जितना भी क्रूर व्यक्ति है उसको भी नरम कर सकता है, क्योंकि धर्म में अधर्म नहीं है। जैसे धर्म में अधर्म नहीं है वैसे अधर्म के अंदर भी धर्म नहीं है। इसलिए हमें दुनिया में डूलते रहें ये धर्म के नाम से दो चीजें मिल जाती, ये है सद्धर्म, दूसरा है अधर्म। ये अधर्म और सद्धर्म से अलावा और कौन सा धर्म मिलेगा? कोई नहीं मिलता। फिर आज हम लोग कहते हैं ये बौद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म है, ये मुसलमान धर्म है, ये सिख धर्म है, ये ईसाई धर्म है, ये कहां से आते हैं? ये सभी अवस्थावादी लोगों की कल्पना है, समाज को बंटवार करके रखने के लिए, समाज के भाईचारिता खत्म करने के लिए और अलग अलग गुट बनाने के लिए बनाया गया रणनीति। हिंदू धर्म में देखें, बौद्ध धर्म में देखें, सिख धर्म में देखें, किसी में भी देखें, आखिर में सद्धर्म और अधर्म के अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलता। क्योंकि धर्म किसी के नाम से हो, दुनिया में जो सच्चाई है उसी को धर्म कहता, जो सच्चाई नहीं है वो अधर्म है। हम उतने समझ लें, समझकर अपने जीवन का भी सच्चाई को देखने के लिए प्रयास करें। जो सच्चाई को अपना के रखें तभी व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। भगवान ने कहा धम्मो हवे रखते धम्मचार, जो व्यक्ति धर्म को सुरक्षा करता है धर्म द्वारा उन्हीं का सुरक्षा हो जाती। इसलिए हमें धर्म सुरक्षा करना आवश्यक है, उसके लिए प्रवचन अच्छे से सुनना पड़ता है। प्रवचन सुनकर याद रखना चाहिए, याद करके जीवन उसी के अनुसार बनाना। एक पाली पाठ में आपके सामने रखा है, ये कई बार आप लोग सुन चुके होंगे। ये पाली पाठ कहाँ मिलता है? बुद्ध भगवान ने बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सोचने लगा मेरा प्रवचन कौन समझ सकते हैं। देखा तो बुद्ध भगवान के प्रवचन समझने वाले दुनिया में नहीं दिख रहा। कारण क्या? बुद्ध भगवान के सद्धर्म गंभीर है, नैपुण्य है, अतखावचर है, पंडित वेदनीय है, साधारण लोगों को समझना कठिन। उस प्रकार के धर्म कौन समझ सकेगा जो संसार को त्याग कर देता, अपने आप को दमन करने के लिए प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति ही ये धर्म समझ सके। बाकी लोग राग रत्ता नदक किंती तमुक कंदेन आवटा, ये संसार में राग द्वेष मोहादि अग्नि से लपटे हुए लोग ये सद्धर्म को नहीं समझ सकते। उदास हो गया भगवान, प्रवचन नहीं करना। तभी सहंपति महाब्रह्म ने बुद्ध भगवान को कहा, भगवान आप प्रवचन नहीं करेंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रवचन कीजिए, सारे लोग नहीं
कुछ तो लोग सुनेगा मानेगा। फिर भगवान ने प्रवचन किया। प्रवचन करने के लिए देख लिया किसको प्रवचन करना है। देखा तो जो जो गुरु लोग थे असित ताउस आला रखा आलाम उद्धक राम पुत्र ये सारे लोग मर चुका था। आखिर में जो उर्वेला में साथ में बैठकर साधना किया हुआ लोग पंचवर्ग ये लोग था जो उन्हें छोड़ कर आया था। देखा उन लोग कहाँ हैं, ये वाराणसी ऋषिपतन में है, वहां चले गए। वहां जाकर उन लोगों को पहला धर्म देशना किया। ये धर्म देशना का नाम है धम्म चक्क प्रवर्तन। ये धम्म चक्क प्रवर्तन सूत्र सुनकर तमाम लोगों ने साधुकार दिया। फिर उसी सूत्र के आखिर में कहा है एवं तिपरिवट्टं द्वादशाकारं यथाभूतं ज्ञानदर्शनं न सुविशुद्धं अहोसि नेवतावहं भिक्खवे सदेवके लोके समारके सब्रह्मके सत्समन ब्राह्मणिया फजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धो पच्चज्ञासि एवं तिपरिवट्टं। इसी प्रकार तीन वृत्त होता है, द्वादशाकारं बारह आकार होता है। यथाभूत ज्ञान दर्शन ये अपनी ज्ञान के दर्शन के लिए यथाभूत ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये तीन वृत्तों को समझना पड़ता है, बारह आकार को समझना पड़ता है। जब तक मुझे ये त्रिप्रे वृत्त का ज्ञान नहीं पड़ा, बारह आकार के ज्ञान भी नहीं मिला, तब तक देवताओं सहित मारों सहित ब्रह्मों सहित श्रमण ब्राह्मणों सहित ये जगत में अनुत्तर सम्यक संबुद्ध पद प्राप्त किया हूं करके मैं नहीं बताया। क्योंकि जो चीजें मेरे पास नहीं है हम उसी का वर्णन कैसा कर सकें। भगवान ऐसा क्यों कहा, जो पंचवर्गीय लोग थे बुद्ध भगवान को आउसो करके निमंत्रण किया। ये आउसो शब्द सबके लिए उपयोग नहीं है, जो अपने से छोटे हैं उन्हीं को आउसो करके निमंत्रण देता है। लेकिन बुद्ध बनने के बाद बुद्ध भगवान दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बड़ा है, उनको आउसो कहने के लिए किसी के हक नहीं। इसलिए भगवान ने कहा तुम लोगों के साथ में तपस्या कर रहे थे उसी वक्त में बुद्ध बना करके तुमको कभी बताया नहीं। क्यों नहीं बताया, मैं बुद्ध बना ही नहीं था। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं, मैं शेर नाद कर रहा हूं, मैं बुद्ध बन गया हूं। इसी प्रकार बुद्ध भगवान ने बताया। फिर ये तिपरे वृत्त क्या है, तिपरे वृत्त और द्वादश आकार, बारह आकार भी होता है, तीन वृत्त, ये तीन वृत्त क्या है। खम्म वृत्त, विपाक वृत्त, क्लेश वृत्त, ये तीन वृत्त होता है। खम्म वृत्त कहा तो कर्म है, विपाक पहा तो ये कर्म को होने वाले विपाक, क्लेश मह कहा तो उत्पन्न होने वाले क्लिष्टता। अभी उसे कैसे समझेंगे हम,
अभी आप किसी वस्तु को देखता है, वस्तु का रूप कहेंगे, किसी रूप आपने देखा, ये रूप देखना उसको कहते कर्म। ये रूप देखकर उसको पहचान लेता है, ये पहचानना उसको कहता है विपाक। फिर उसी रूप को लेकर आपके मन के अंदर जो कुछ चिंता निर्माण होता है उसको कहते हैं क्लेश। इसी प्रकार आंखों से कर्म विपाक क्लेश निर्माण होता है, कान से कर्म विपाक क्लेश निर्माण होता है, शब्द सुनना कर्म है, सुना हुआ शब्द समझना विपाक है, उसी शब्द को लेकर मन में निर्माण होने वाले रूप उसे क्लेश कहता है। उसी प्रकार नाक से सूंघता है, नाक से भी ये कर्म विपाक क्लेश निर्माण होता है। जीभ से रस ग्रहण करता है, उसे जीभ से रस ग्रहण करने से भी कर्म विपाक क्लेश निर्माण होता है। शरीर से स्पर्श करता है, ये स्पर्श करने से भी कर्म विपाक क्लेश निर्माण होता है। ये कर्म विपाक क्लेश उतने में आप नहीं समझ गए होंगे। अभी आप खाना खाते हैं, खाना खाना आपका कर्म है, खाना खाने से आपके पेट भर जाता है, पेट भरना उसी का विपाक है। फिर खाना खा के पेट भरने के बाद आप बैठकर चर्चा करते हैं, खाने में ये चीजें खाया, वो चीजें खाया, उसी के ये चीजें था, वो चीजें था, ये इतना अच्छी था, इतना खराब था, कुछ ने कुछ और अच्छा बुरा उसी का चर्चा करता, ये है क्लेश। इसी प्रकार रूप देखा, रूप देखना कर्म हो गया। फिर उसी रूप देखकर उसको पहचाना, ये अमुक व्यक्ति है, अमुक वस्तु है, उसी को विपाक कहा। फिर क्लेश, उसी वस्तु से या उसी व्यक्ति से चिपकना या टकराना, चिपक गया तो भी क्लेश, टकरा गया तो भी क्लेश। इसलिए क्लेश मनी पाप चित्त है, मनी क्लिष्टता है। उसी प्रकार शब्द से भी निर्माण होता है, गंध से भी निर्माण होता है, रस से भी निर्माण होता है, स्पर्श से भी होता है। ये तिपरी वृत्त है, ये संसार में हम बढ़ाते जाता है। जब भी आंखों खोलता है कोई ना कोई रूप देखने को मिलता है, रूप देखने को मिला तो ये तीनों मूर्त निर्माण होता है। शब्द अनेक प्रकार के 24 घंटे सुनते रहता है, गंध भी नाकों में आते जाते रहते हैं, और खाने पीने से भी कुछ न कुछ रस तो प्राप्त होते रहता है, स्पर्श भी मिलते रहता है। ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं, ये तिपरी वृत्त बना के रहता है, कर्म वृत्त, विपाक वृत्त, क्लेश वृत्त। फिर ये एक बार कर्म निर्माण हो गया, विपाक मिल गया, क्लेश निर्माण हो गया, क्लेश क्या करता है, क्लेश ने आगे के लिए फिर सपोर्ट देता है, फिर कर्म करने के लिए। फिर इसी प्रकार बार बार हम क्लेश को निर्माण करते रहते, बार बार कर्म करते रहते, उसका कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं। इसलिए संसार चल रहा है, संसार चल रहा है, ठोकते नहीं। फिर ये कहां से शुरू किया, कहां तक चल रहा है, हम किसी को मालूम नहीं, लेकिन हम चाहें तो उसको ब्रेक लगा सकता है। फिर ये तिपरे वृत्त और प्रकार होता है, उसके लिए क्या कहा, 12 आकार। ये 12 आकार किससे निर्माण होते हैं, ये 12 आकार निर्माण होते हैं 4 आर्य सत्यों से। ये 4 आर्य सत्य 12 आकार कैसे बन जाते,
पहला आर सत्य क्या है? दुख सत्य। दुख सत्य में तीन प्रकार है। दुख सत्य तत है, दुख सत्य अवितत है, दुख सत्य अनन्यत है। ये हो गया तीन। दुख सत्य का तत, अवितत, अनन्यत। दुख समुदय का तत, अवितत, अनन्यत। दुख निरोध का तत, अवितत, अनन्यत। दुख निरोध गामिनी पटिपदा का तत, अवितत, अनन्यत। हो गया बारह। चार चार का तीन, बारह हो गए। उसको कहते हैं द्वादश आकार। फिर ये द्वादश आकार से हमें धर्म समझना चाहिए या दुख सत्य को समझना चाहिए, समुदय सत्य समझना चाहिए। अभी हम देखेंगे दुख सत्य क्या है, दुख सत्य क्या है। खतमन चाउसो दुखम, भगवान पूछ रहा है ये दुख क्या है। दुख सच्चम इदं कोपन भिक्खवे दुखम, जाति भी दुख, जरा भी दुख, व्याधि भी दुख, मरण भी दुख, अप्य ही संपयोगो दुखो, पिय ही विपयोगो दुखो, यंग पिच्चंग लभते तं भी दुख, संकित्तेन पंचपादान कंदा दुख। ये भगवान ने कहा दुख सत्य क्या है। आयुष्मान, ये दुख सत्य क्या है? भगवान कहता है इदं कोपन भिक्खवे दुःखं आर्य सत्यं। भिक्षुओं, दुख आर्य सत्य यही है। क्या है? जाति भी दुख। जाति क्या है? जन्म लेना। जन्म लेना दुख है। जाति भी दुख, जरा भी दुख। जरा मनी जन्म के वत से लेकर धीरे धीरे जीर्ण होते जाना, जीर्ण होते जाना दुख है। व्याधि भी दुख को, बीमार पड़ना दुख है। मरणम भी दुख, मृत्यु होना दुख है। अप्रिय ही संपयोग और दुख को, अप्रिय लोग जिसको पास में रहना नहीं चाहते हैं, ऐसी लोग पास में रहना दुख है। अपि यही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो। प्रिय लोग जिनको हमेशा पास में रखना चाहते हैं, वो अपने को छोड़कर चले जाते, दुख है। यंग पिचंग लबती, तमाम चीजें पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये इच्छा पूरा नहीं होते। यंग पिचंग लबती ताम पी दुख का, वही भी दुख है। इसी प्रकार ये दुख सत्य है। अभी आप लोग सोचिए ये दुख का संक्षेप रूप से भगवान ने क्या कहा। संकित्तेन पंच उपादान कंदा दुख, संक्षेप रूप से कहा तो पंच उपादान स्कंद ही दुख है। ये पंच उपादान स्कंद क्या है? अपना शरीर, सिरपेल से लेकर पैर तक ये शरीर है। इसमें क्या चीज है? इसमें रूप स्कंद है, वेदना स्कंद है, संज्ञा स्कंद है, संस्कार स्कंद है, विज्ञान स्कंद है। ये शरीर इसी पांच अंगों से यदि बंटवार करें, यहां कोई आदमी नहीं मिलेगा, महिला में नहीं मिलेगा, लड़का लड़की नहीं मिलेगा, नाम से पुकारने वाले कोई नहीं मिलेगा। फिर ये सभी पूरा उसी पांच अंगों में बंटवार किया जा सकता है। जाति पी दुख का, जन्म होना दुख है। ये जन्म क्यों होते हैं? बार बार जन्म होता है। जन्म कोई होता है? जन्म किसी का नहीं होता। फिर क्या होता है? रूपस्कंद, वेदनास्कंद, संस्कार,
रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, ये पांच स्कंदों का निर्माण वही जन्म है। तो वहां कोई व्यक्ति है, कोई सत्व है, पुद्गल है, कुछ नहीं है, स्कंद है। स्कंद मानी पहाड़ है, रूपों का समूह, वेदनाओं का समूह, संज्ञाओं का समूह, संस्कारों का समूह, विज्ञानों का समूह, ये पांच निर्माण होता। ये इकट्ठे हो गया तो वहां एक प्राण निर्माण होता, उसे हम मैं हूं कहते हैं, इसलिए जाति उसको जन्म कहता है। होते क्यों? जन्म नहीं लिया तो कोई फर्क पड़ता? जन्म नहीं लेना चाहिए। जन्म लेने से तमाम दुख वेदनाएं, आप एक एक जना अपने अपने जीवन में जो दुख है वो समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के दुख दूसरा बराबर नहीं देख सकते, क्योंकि ये दुनिया में माया है। माया होने के नाते व्यक्ति क्या करते, अपने दुख पूरा अंदर लगा देता है। पटाखे है ना, पटाखे जब तक जल नहीं जाए तब तक अच्छे से सुरक्षित रह जाता है, जलने लगा तो फटने लगती। उसी प्रकार व्यक्ति अपनी सारे वेदनाओं को अंदर रख के बैठ के रहता है, सारे वेदनाओं अंदर भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है। सामने हंसेंगे, मनोरंजन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन अंदर अंदर रोता है, अंदर अंदर वेदना है, अंदर परेशानी। इसी प्रकार है ये जन्म क्यों होते। पुराने लोगों ने कहा ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर चाहे तो जन्म दिलाता है, नहीं तो नहीं। ईश्वर चाहे तो दुनिया से निकल जा जाता, नहीं तो नहीं। कुछ समय ऐसी रहा ईश्वर के भरोसे, लेकिन कोई ये नहीं सोचा ईश्वर को किसने जन्म दिया, कोई नहीं सोचा। आपने कभी सोचा ईश्वर को कौन जन्म दिया है? अरे किसी को जन्म नहीं दिया है, किसी ने जन्म नहीं दिया है, वो उनको किसी को जन्म देने का अधिकार कहां से मिलता है? ये हो नहीं सकते। ये हमें मालूम नहीं था ये जन्म कैसा होता, इसलिए उसके लिए कुछ ने को निर्माण किया, वो निर्माण ईश्वर हो गया। जन्म दिलाने की शक्ति हम किसी को मालूम नहीं, पहला कैसा हुआ। भगवान ने कहा उस जगह को सोचो मत, ये दुनिया में सबसे पहले कब आया, कैसा आया, ये विषय के प्रति सोचो मत। क्योंकि मोग्गल्ला ने बांते एक बार बुद्ध भगवान से पूछा, भगवान ने कहा मोग्गल्ला उसको छोड़ो, उसे कोई काम नहीं। लेकिन मोग्गल्ला बांते बड़ा जिद्दी थी, चुपचाप से पूर्व अवस्था ढूंढने के लिए चले गए। बुद्ध भगवान देख रहे कई दिन से मोग्गल्ला बांते दिख नहीं रहे, लगभग 7 दिन बीत गए मोग्गल्ला बांते नहीं है। बुद्ध भगवान ने देखा मोग्गल्ला ने है कहा, देखा तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बहुत दूर जा चुका है। ये कहां जा रहा है, सबसे पहले जन्म कहां हुआ, कैसा हुआ, ढूंढने जा रहा है। बुद्ध भगवान ने अपनी शक्ति से मोग्गल्ला बांते को वापिस खींचा। अरहंत व्यक्ति, इर्दि संपन्न व्यक्ति एक क्षण में बहुत दूर जा सकते हैं, फिर 7 दिन में कितना दूर गया होगा, बहुत दूर, बहुत जरा सा दिखने को मिला, फिर वापिस बुद्ध बुला लिया। भगवान ने कहा मोग्गल्ला व्यर्थ काम नहीं करना है,
ये कभी तुम्हें जवाब मिलने वाला प्रश्न नहीं। इसलिए हमें जन्म कब हुआ, कैसा हुआ, उसका जरूरत नहीं। लेकिन अभी चल रहा है, आगे हो सकता है, हमें उसी के प्रति ध्यान रखना चाहिए। ये जन्म अभी मिला है, आगे क्यों जन्म लूं? क्योंकि हम अपनी ये शरीर के प्रति लालची है, हमें रूप अच्छा लगते हैं, शब्द अच्छा लगते हैं, गंध अच्छा लगती है, रस अच्छी लगती है, स्पर्श अच्छी लगती है, हम उसी से मनोरंजन होते रहता है, खुशी पाते रहते हैं। मन से पकला हुआ है, तृष्णा से पकला है, अहंभाव से पकला है, मिथ्या दृष्टि से पकला है, इसी के कारण बार बार जन्म हो रहा है। यदि ये पांच स्कंदों को हम तृष्णा से नहीं पकड़ेंगे, उसको त्याग कर देंगे, और मिथ्या दृष्टि से नहीं पकड़ेंगे, सम्यक दृष्टि उत्पन्न करेंगे, और अभिमान से नहीं समझेंगे, तभी फिर जन्म नहीं होता। हम कोशिश करना चाहिए, ये संसार का जीवन जो हमने पाया, ये अच्छा है या नहीं समझने के। आप हर एक व्यक्ति को ये जिम्मेदार है, ये प्राप्त जीवन अच्छे हैं या नहीं है, उसे समझने के लिए कोशिश करना। यदि आप ऐसी सोचा तो जिनको लालच ज्यादा है वो सोचेंगे ये जीवन अच्छे है, जिनको लालच कमी है वो सोचेंगे ये जीवन अच्छे नहीं है। क्योंकि लालची व्यक्ति को सच्चाई नहीं दिखता, सच्चाई नहीं दिखने के कारण उन्हें सोचते हैं ये जीवन अच्छे है, जुगनू है, लाइट चमकते हैं, उसको बड़ा अच्छे लगते हैं, दौड़ कर जाते हैं, आखिर में उसी में गिरकर मर जाते हैं। हम भी वैसे ही, ये प्राप्त जीवन बड़ा अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगने के कारण बार बार उसे पाने के लिए प्रयास करता है, जानकर नहीं करता है, मुझे फिर से जन्म लेना करके सोचता नहीं। लेकिन इसी के वश में आकर जो काम हम करते जाते हैं उसी से अगला भी जन्म निर्माण हो जाता। यदि हमने इसी जीवन के अंदर ये रूप के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, या रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानों के प्रति तृष्णा को त्याग कर दें, लालच न रखें, ध्यान से देखें, प्रज्ञा से देखें, उसे त्याग करें, तो फिर जन्म नहीं होता, जन्म नहीं होता। हम ऐसा नहीं करता है, त्यागने के बजाय पकड़ के रखता है, तृष्णा से, मिथ्या दृष्टि से, अभिमान से पकड़ के रखता है, इसी के वजह से बार बार जन्म होता है। फिर उसी में जन्म लिया हुआ जीवन सदैव दुख है। आप किसी को कह सकते हैं ये जीवन दुख नहीं है, सुखदायक है, कह सकोगे? नहीं कह सकेंगे। वही तत्लक्षण है, तत्लक्षण मानी ये शरीर दुख है, भगवान ने कहा तो वही है, दुख है, स्वाभाविक रूप से इसमें दुख है। अभी तत् दुख से अलग दूसरा भी नहीं होता,
दुख से अलग दूसरा भी नहीं होता, मानी ये जीवन सुख भी नहीं है, ये जीवन सुख भी नहीं, दुख है तो सुख नहीं है, सुख है तो दुख भी नहीं। फिर हम लोग बार बार खुशी कैसे होते हैं, सुख नहीं है तो खुशी कैसे पाते हैं? अकेला व्यक्ति अकेलापन को दुख समझ लेता है, सोचते हैं उसको अकेला नहीं रहना चाहिए, अकेलापन दूर करने के लिए शादी कर लेता है, शादी करके खुशी है, खुशी है। लेकिन कुछ समय के बाद पत्नी के स्वभाव अलग होने लगा तो उनको चिंता निर्माण होता, वेदना निर्माण होता, ये खुशियां दूर चली जाती। फिर बच्चे को पैदा हो जाती, बच्चा पैदा हो गया तो बड़ा खुशी है, बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, उसको दूध पिलाना पड़ता है, दूध खरीद के लाना है, दवाई दिलाना है, कपड़े दिलाना है, तमाम खर्चे जो पहले नहीं हुआ था, खर्चे दिन दिन बढ़ जाता है, उतना खर्चा करने के लिए अपने पास पैसे नहीं, फिर वही सुख खत्म हो जाता, दुख होता है। ये दुख अधिक होने से क्या होते, बच्चा जितना भी तंग करेंगे उतना क्रोध हो जाते, उतना मारते रहता है। क्यों मारते बच्चों को? वही है जो अपना जो खुशियां था एक खुशी दुख में बदल गया, दुख में बदलने के कारण मारता जाता है, द्वेष भावना निर्माण हो जाती। फिर पहले सुख था, बच्चे जन्म हुआ बड़ा प्यार किया, लेकिन उसी से जब तंग आने लगा वो सुख खत्म हो जाती। ऐसा जीवन में अनेक चीजें हैं जो शुरू में समझ लेता है अच्छा है सुखदायक, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि सुखदायक नहीं है, दुखदायक, परेशानी, वेदना है। फिर उसी से थंग आ जाती। भगवान ने यही कहा तत लक्षण, हम कितना भी प्रयास करेंगे सुख समझने के लिए लेकिन इसमें सुख नहीं, दुख है। ये सुख स्वभाव क्या है? ये दुख कभी कभी कम हो जाता। अभी सूरज का रोशनी है, ये रोशनी कभी कभी बादल लाकर बंद हो जाती। अब सीधा रोशनी आने लगा तो तेज है, बादल से ढकने के बाद वहां तेजी नहीं है। फिर वो सूरज के तेजी से जो परेशानी था ये परेशानी नहीं दिखने लगता, फिर व्यक्ति खुश हो जाती। लेकिन वो बादल वहीं से निकल गया फिर से गर्म होने लगता है, फिर वो पहला दुख फिर से आ जाता है। उसी प्रकार जैसे बादलों से ढका हुआ सूरज का तेजी स्वभाव कम हो जाते हैं, लेकिन कम नहीं है, वो नीचे नहीं आता है, वो ढक चुका है। उसी प्रकार अपने दुख किसी वक्त ढक जाता है, फिर वहां सुख महसूस होता है, लेकिन वो ढका हुआ दुख फिर थोड़ी देर में अलग हो गया तो फिर दुख महसूस हो जाता। इसलिए आज के जीवन में जो सुख है ये सुख दूसरा कुछ नहीं है, दुख का कमी है, दुख का कमी है। दुख कम होने से सुख महसूस होता है, लेकिन ये सुख सुख नहीं। हम यदि सुख पाए ये सुख कभी दुख में नहीं बदल जाता, दुख में बदलने वाले सुख सुख नहीं, क्योंकि ततलक्षण नहीं है वह। ततलक्षण तो दुख कहा तो उसको दुख ही है, उसमें सुख नहीं। सुख कहा तो वह सुख ही है, उसमें दुख नहीं है, ये ततलक्षण। इसलिए पांच स्कंदों में या अपने ये शरीर में दुख है, सुख नहीं है। खाने पीने से सुख मिलता है लेकिन ये सुख नहीं है,
अभी भूखे रहने वाला के भूख खाने से भूख कम होता है, भूखे रहना वेदना है, भूख कम हो गया तो सुख है, लेकिन खाना हजम होने के बाद फिर भूख लगता है, फिर दुख। ऐसा बार बार बदलने वाले सुख, ये सुख नहीं, दुख का कमी है। हम उसे सुख समझकर उसके मोहित हो जाते, ये मोहित होकर उसी के पीछे दौड़ता। जिस वस्तु से आंखों को खुशियां मिला फिर उसके पीछे दौड़ेंगे, जिस आवाज से खान को खुशियां मिला उसके पीछे दौड़ेंगे, जिस गंध से नाक को खुशियां मिला उसके पीछे दौड़ेंगे, जिस रस से जीभ को खुशी मिला उसके पीछे दौड़ेंगे, जिस स्पर्शोंग से शरीर को खुशी मिला उसके पीछे दौड़ेंगे। फिर इसी प्रकार हम सुख समझकर दुख के पीछे, दुख के रास्ते चल रहा है, फिर उसी रास्ते सुख मिलेंगे कैसा, क्योंकि वहां सुख ही नहीं। अन्य ही लाभ उपनिषा अन्य निब्बान गामी, भगवान का लाभ पाने वाला रास्ता एक होता है, निर्वाण पाने वाला रास्ता एक होता है, ये दोनों एक नहीं अलग अलग। निर्वाण के रास्ते में ये खुशियां नहीं है, निर्वाण के रास्ते में खुशियां तो दुख को समझने से होता है, लौकिक रास्ते में लाभ के रास्ते में जो खुशियां हैं ये खुशी दुख से निर्माण कर देता है, अज्ञान सा मोह, मोह से निर्माण होता है। इसलिए हमको चाहिए बार बार दुख दिलाने वाले खुशी नहीं, एक बार पाने के बाद हमेशा के लिए रहने वाले अमर खुशी, अजर अमर, ऐसा खुशी होना चाहिए, सदैव एक क्राउ रूप से, उसी खुशी को हम कहते निर्वाण। निर्वाण प्राप्त किया तो ये सदैव खुशियां मिलता, ये हमें समझना चाहिए। ये दुख का स्कंद दूसरा कुछ नहीं, अपना शरीर है, अपना जीवन, इसी में दुख है, ये दुख पक्का है, इसलिए उसे तत कहता है। इसलिए ये पांच स्कंद दुख है तो ये सुख भी नहीं है, इसलिए अवितत है, अन्य भी नहीं बन जाता। अनन्यत दुख, ये शरीर छोड़कर दूसरा भी नहीं, यही दुख है। इसलिए तत अवितत अनन्यत दुख सत्य के वार, दुख समुदय के वार भी इसी प्रकार तत होता है, अवितत होता है, अनन्यत होता है। दुख समुदय माने ये दुख निर्माण करने वाला शक्ति, दुख निर्माण करने वाला शक्ति क्या है, कतमन चाउसो दुख समुदयं अर्य सच्चा, आयुष्मानो दुख निर्माण करने वाले सत्य क्या होता है, यायं तन्ना पोनो भविका नंदी राग सहागता तत्त तत्राभिनंदिनी सेयतीदं काम तन्ना भव तन्ना भव तन्ना। ये तीन तृष्णाएं, काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये तीनों तृष्णा कहां है, यायं तन्ना पोनो भविका, ये तृष्णा का पुनर्भव होता है, नंदी राग सहागता आनंदित होता है, चिपक जाता है, कहां तत्र तत्र अभिनंदिनी, जहां जहां जन्म होता है वहां वहां अभिनंदन करता है, उसी से ये चीजें निर्माण होता है। कौन सा तृष्णा, पुनर्भाव, आनंदी, ये सभी के कारण। श्री भगवान ने कहा ये सभी कहां मिलते हैं, काम तृष्णा मानी अनेक वस्तुओं के प्रति, अनेक वस्तु
रूप शब्द गंध रस स्पर्श ये अनेक वस्तु रूप शब्द गंध रस स्पर्श इसी के प्रति इच्छा उसको कहते हैं काम। काम का अर्थ इच्छा। आप सोचिए आपके अंदर इच्छा निर्माण होता कि ना नहीं। आप एक काम करना, एक कागज लेना, पेन भी लेना, एक तरफ बैठ जाना, बैठकर आपके अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को लिखते जाना, लिखते जाना, आखिर में पूरा होने के बाद पढ़ लेना कितना इच्छाएं आपके अंदर है। आप लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, कागज भी खत्म होते जाएगा, पेन भी खत्म होते जाएगा, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होगा, फिर आप परेशान पड़ जाएगा। इतना इच्छाएं हमारे पास है, ये इच्छा कहां है? इच्छाओं को वही स्वभाव। अभी बच्चे कभी चॉकलेट नहीं खाया तो उसको एक बार चॉकलेट खिला देता है, दूसरे दिन क्या करेंगे? रोएंगे। क्या मांगेंगे? चॉकलेट। जब तक चॉकलेट उसको बार बार देते नहीं रहेंगे तब तक वो रोते रहेंगे। होंगे इच्छा बार बार निर्माण होते जा रहा है चॉकलेट खाने के। अभी उससे उसको अलग करना है तो दूसरा इच्छा उसको निर्माण करवाना पड़ता है, दूसरा चीजें उसको आदत दिलाना पड़ता है, फिर उनके इच्छा वही चले जाता है, चॉकलेट को छोड़ देता है, लेकिन दूसरा चीजों की इच्छा मिलता है। उसी प्रकार उसको खिलौना देते, एक की खिलौने का इच्छा बढ़ते जाता है। इसी प्रकार हर प्रकार के इच्छाएं, ये सारे इच्छाओं क्या करेंगी? सारे इच्छाओं से उनके आंखों को खुशी मिलेगा, कान को खुशी मिलेगा, नाक को खुशी मिलेगा, जीभ को खुशी मिलेगा, शरीर को खुशी मिलेगा और कुछ नहीं। इसलिए अपनी आंखों, कान, नाक, जीभ, शरीर, ये पांच इंद्रियों को खुशी दिलाने के लिए जो भी वस्तु का आवश्यकता है उसी वस्तु पाने की इच्छा बार बार बढ़ते जाता है। ये बार बार बढ़ने वाली इच्छाओं के कारण व्यक्ति अस्वस्थ हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं बनता है और एक लक्ष्य पर रह नहीं सकते। किताब हाथ में लेता पढ़ने के लिए, याद में आता दूसरा कुछ, फिर किताब हाथ में लेकर दूसरी दुनिया में घूमते फिरते रहता है। आखिर में किताब में क्या पढ़ा कुछ मालूम नहीं। फिर ये कभी कभी नींद में चले जाता है, किताब में नहीं, नींद में चले जाता, सो जाता। इसी प्रकार किसी ने एक काम करते करते दूसरा काम निकाल देता है, जो काम कर रहा था उसको भूल जाते। ऐसा अनेक अवस्था है जीवन में, एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक चले जाता है, क्योंकि इच्छाएं बढ़ते जाती, इच्छाओं का कंट्रोल नहीं कर रहा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना है। हम रास्ते में जा रहे हैं, पीछे से आकर कोई महिला आगे निकल गई, देखा तो उसका बाल कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, फिर इच्छा, हमारे बाल ऐसा होना, हमारे भी ऐसा चाड़ी होना, हमारे के भी इसी प्रकार चुड़ियांग होना, इसी प्रकार घड़ी होना, फिर इच्छा, फिर उसी इच्छा पूरा करने के लिए खर्च कर लेता है, फिर दूसरी बार दूसरा को देखता है, फिर उसी की इच्छा, इसी प्रकार इच्छा निर्माण होते जाता। किसी का घर देखा बड़ा शानदार, इच्छा निर्माण हो रहा है हमको भी इसी प्रकार घर होना, फिर इच्छा अंदर जितना रहेंगे उतना रोना भी होता है, दुख है, इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए ये अपेक्षित इच्छा जैसे हैं, जो घर देखा उसी के अंदर घुसकर
उसमें घूम फिर के आने के लिए इच्छा निर्माण होता है, बहुत प्रयास करता है, कई लोग उसमें सफलता पा लेता है, कई लोगों को मुश्किल हो जाती है। ऐसे तमाम प्रकार के इच्छाएं ये निर्माण होते हैं, ये काम है, उसी को कहते काम, इच्छाओं के साथ रहना, अनेक इच्छाएं निर्माण करना, हम उसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी एक बार एक चॉकलेट खाया, दूसरा चॉकलेट खाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए, समझना चाहिए उसी चॉकलेट से, हाँ चॉकलेट में ये चीजें होती हैं, इसी प्रकार रस है, इसी प्रकार चीजें डला हुआ है, हम और भी चॉकलेट खाएंगे तो ये चीजें, इसलिए मैंने अभी चॉकलेट खा लिया है, इसलिए अगले खाया तो भी यही चीज मिलेंगी, दूसरा नहीं मिलेगी, हो गया, अभी मुझे फिर चॉकलेट की जरूरत नहीं। हर चीजें उसी प्रकार हम कंट्रोल में लाने प्रयास करें, एक बार इस्तेमाल किया फिर दूसरा फिर इस्तेमाल करने की अपेक्षा नहीं, रूप देखा, देख लिया तो अच्छा है, फिर मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा हम यदि कंट्रोल में रखने में प्रयास करें, कंट्रोल करेंगे, बड़े सुंदर होता, बड़े अच्छा होता है। इसीलिए ये दुख सत्य का तत् अवितत अनन्यत, मानी ये पांच स्कंद दुख कहा, केवल बुद्ध भगवान ने कहा, किसी व्यक्ति को दुनिया में कह नहीं सकते ये पांच स्कंद सुखदायक, क्योंकि उसमें तत् लक्षण है, और ये पांच स्कंद सुख है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि अवितत होता है, और ये स्कंद चोलकर मुझे दूसरा स्कंद दुख मिल होता है, क्या अपना शरीर खुद को दुख नहीं है, दूसरा के शरीर खुद के लिए दुख होता है, ऐसा भी कभी नहीं होता, अनन्यत है। ये तीन नाकार तत अवितत अनन्यत, दुख का और दुख समुदय का, अनेक प्रकार के तृष्णाएं जहां जहां जन्म लेते हैं वहां वहां एक काम इच्छा निर्माण होता है, फिर एक काम भाव, काम तृष्णा मानी इसी प्रकार अनेक वस्तुओं के प्रति अपने इंद्रियों को खुशियां दिलाने के निर्माण होने वाली इच्छा, भव तृष्णा मानी रूप भाव, अरूप भाव उसका तृष्णा, रूप पाने की इच्छा, और शाश्वत उच्छेद, शाश्वत दिट्टि, और अरूप भाव उच्छेद दिट्टि, इसी प्रकार उसी चीजें फिर से पाने की इच्छा निर्माण होते जाते, ये इच्छाओं के कारण जन्म होता है, इच्छाओं के कारण जन्म होता है। इच्छा क्यों होती? मोह के कारण, मोह मानी अविद्या, पहचानता नहीं सत्य क्या है, सत्य को नहीं पहचानते हुए अविद्या का निर्माण हो जाती, उसको कहते हैं जन्म। इसलिए काम इच्छा निर्माण होते सच्चाई को नहीं जानने के कारण, यदि सच्चाई को हम जान लिया इच्छाओं को नहीं होता, फिर इच्छा नहीं होता है, सच्चाई जान लिया है, फिर जन्म कैसा हो सकता है? दुख सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य, निरुद्ध ये दुखों से अलग होना, दुखों से अलग होना, अलग होना करके मन उत्पन्न होना पड़ता है। अलग होने के लिए क्या करना चाहिए? जहां जहां जन्म होता वहां वहां जो तृष्णा निर्माण होता है उसे त्याग करना चाहिए, बिल्कुल शेष नहीं रखना चाहिए, पूरा तृष्णाएं त्याग कर देना चाहिए। तृष्णा को त्याग करने के लिए अविद्या को भी त्याग करना पड़ता है, क्यों? अविद्या के कारण तृष्णा निर्माण हो जाता है,
अविद्या हेतु तृष्णा निर्माण हो जाती, अविद्या नहीं है फिर तृष्णा निर्माण नहीं हो सकता, फिर ये दोनों के साथ रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान ये पांच स्कंद एकत्र हो जाते, तभी किसी वस्तु का जन्म होता है। इसलिए जन्म होने के बाद वहां कोई व्यक्ति नहीं है, कोई प्राणी नहीं, ये धातुओं का संख्या, धातुओं के संख्या एकत्रित होकर वहां एक किसी प्राणी निर्माण हो जाते। भगवान ने ये तत्व को नहीं, जब तक नहीं पहचाना, ये तत्वों के ज्ञान जब तक नहीं पाए तब तक बुद्ध नहीं बना, बुद्ध नहीं बना। इसलिए उन्हें कहा ये त्रिपरिवर्तं द्वादशाकारं यथाभूतं, उसके यथार्थ ज्ञान जब तक कम नहीं पाए तब तक मैं बुद्ध पद प्राप्त किया हूं करके दुनिया में ऐलान नहीं किया। फिर बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें कहा यथोच खो मे भिक्खवे इमेषु चतुषु धम्मेषु एवं त्रिपरिवर्तं द्वादशाकारं यथाभूत ज्ञानदर्शन सुविशुद्धं अहोसि अतः भिक्खवे सदैव के लोके समारके सब्रह्मके सस्समन ब्राह्मणीय पजाय सदैव मनुष्याय अनुत्तरं सम्मा संबोधिं अभिसंबुद्धोपच्चज्ञासि यथोचको में भिक्खवे। भिक्षुओं जिस प्रकार एमेषु चतुषु धम्मेषु ये चार धर्म में कौन सा दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, निरोधगामिनी पटिपद, ये चार धर्म में त्रिपरिवृत्त तथ अवितत अनन्यत रूप से हम अभी सब देख लिया है, समझ गया है। यथा भूत ज्ञानदासन सुविशुद्धं अहोसि ये दुख समुदय निरोध मार्ग चारों के प्रति तत अवितत अनन्यत रूप से यथार्थ ज्ञान मुझे प्रादुर्भूत हुआ है। हम उसी यथार्थ ज्ञान से इसको अच्छी तरह देखा है। सुविशुद्धं अहोसि मेरा देखे में पवित्र हुआ, गलत नहीं, युद्ध में गलतियां हैं तो सुविशुद्ध नहीं होता, गलतियां न होने से अच्छी तरह देखने के उसे कहा सुविशुद्धं अहोसि। अतः हम विक्खवे अभी भिक्षुओं में अभी देवताओं सहित मारों सहित ब्रह्मों सहित श्रवणक ब्राह्मणों सहित सत्य प्रजा सहित ये जगत में बताऊंगा मैं बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया। फिर ये बुद्ध ज्ञान प्राप्त किया हूं करके मैं बता रहा हूं, उसी प्रकार बुद्ध भगवान ने अपना खुशियांग वहां व्यक्त किया। ये चार आर सत्य ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध ज्ञान पाया, इसलिए आज हम लोग प्रवचन सुन रहा है। आप लोग भी इसी प्रवचन के माध्यम से चार आर सत्य के ज्ञान प्राप्त करें, बुद्ध भगवान जैसी संसार दुखों से मुक्ति पावें, वही कामनाओं के साथ मेरा प्रवचन आज समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो।